मच्छर के काटने से डेंगू, दिमागी बुखार और मलेरिया जैसे कई खतरनाक बीमारी होने का खतरा बना रहता है और हर साल देश में डेंगू और मलेरिया से हजारों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में जरूरत है इन मच्छरों से हमें दूर रहने की। लेकिन बाजार में मिलने वाले हानिकारक मॉस्किटो रिपेलेंट त्वचा और सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में मच्छरों को खुद से दूर रखने के लिए इन पौधों का इस्तेमाल सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। तो चलिए यहाँ जानते हैं ऐसे ही 5 पौधों के बारे में जो आपकी बालकनी की खूबसूरती बनाए रखने के साथ साथ मच्छरों को भी घर से दूर रखेंगे। गेंदे के फूल। पीले रंग के गेंदे के फूल न सिर्फ आपकी बालकनी की शोभा बढ़ाते हैं बल्कि इसकी सुगंध से मच्छर मक्खी भी घर से दूर रहते हैं। बहुत कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि गेंदे का पौधा 2 प्रकार का होता है, एक अफ्रीकन और दूसरा फ्रेंच। बता दें ये दोनों पौधे ही मॉस्किटो रिपेलेंट है। सिट्रोनेला ग्रास। इसका पौधा भी मच्छरों को दूर रखने में कारगर साबित होता है। इस ग्रास से निकलने वाला सिट्रोनेला ऑयल मोमबत्ती, परफ्यूम, लैंप्स जैसे हर्बल प्रोडक्ट में उपयोग किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि सिट्रोनेला ग्रास डेंगू और मलेरिया पैदा करने वाले मच्छरों को भी आपसे दूर रखने में सहायक है। लेवेंडर। ऐसा कहा जाता है कि लेवेंडर का पौधा मच्छरों का दुश्मन है। केमिकल फ्री मॉस्किटो सॉल्यूशन बनाने के लिए लेवेंडर ऑयल को पानी में मिलाकर सीधे स्किन पर भी लगाया जा सकता है। रोजमेरी फूल। ये भी गेंदे और लेवेंडर के जैसे ही अपने आप में एक प्राकृतिक मॉस्किटो रिपेलेंट है। रोजमेरी फूल के रंग का कलर नीला होता है। मच्छरों से बचाव के लिए रोजमेरी मॉस्किटो रिपेलेंट की 4 बूंदों को 1/4 जैतून के तेल में मिलाकर त्वचा पर लगाएं। तुलसी। तुलसी का पौधा भी मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह काम करता है। सेहत के लिए लाभकारी तुलसी मच्छरों को भी दूर भगाने में कारगर है। ऐसे में मच्छरों को घर से दूर रखने के लिए तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तो ये रहे 5 नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। तो ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें पर्यावरण पोस्ट।